thank you Now we are starting our Ankapur ride today. We have four riders who have gathered today with me Srikanth, who has joined us for the first ride. Then I have Vimal and I have John. <laughs> काफी ठंडी है दोस्तों सुबह के छह बज गए हैं और हम निकल गए हैं जोश में 2021 की ये पहली राइड लेट मी डू अ फाइनल चेक माय राइडर्स आर यू रेडी ग्रेट लेट्स चेक विथ श्रीकांत हु इज जॉइनिंग अ फर्स्ट राइड टुडे श्रीकांत आर यू रेडी ग्रेट सो चलिए दोस्तों सब लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है लेट्स रॉक लेट्स बर्न टुडे सो so, दोस्तों जैसा कि हमने प्लान किया है हम निकल रहे हैं अभी निरन मेट क्रॉस रोड हमारा मीटिंग पॉइंट था सिकंदराबाद सेंटर मॉल जो काफ़ी फेमस uh, है नेरन मेट क्रॉस रोड में वेल दोस्तों सुबह के जैसे छः गए हैं और हम निकल पड़े हैं अभी अंकापुर की ओर जय शिवशंकर ओम नमः शिवाय राइट ब्रीफिंग मैंने कर दी है एंड ये राइड मैंने रेव योर सोल जो बाइकिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी पब्लिश की थी एंड uh, जैसा मैंने कहा श्रीकांत जो रेव योर सोल पे मेरी इस राइड को दे देखी थी और ही इज़ जॉइनिंग एस टूडे फॉर हिज फर्स्ट राइड विद बाइकर्स गो प्लेसेस तो हमने सक्सेसफुली अबाउट फाइव राइड्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड दीज राइड्स वेर व्हेन वी स्टार्टेड It was just me and Srikanth and now we are having about close to 9 members who are joining our ride today. So right now we are or the the route what we are taking is uh, neridmet via military area which is the CDM. We cross that uh, and and Alwal and then finally we would be going टूवर्ड्स बुलारम एंड देन वी वुड बी अटचिंग दी मिर्चल हाई वे सो दोस्तों ठंडी काफ़ी ज़्यादा है आज और अभी हम ने थर्मल्स पहन लिया है और ग्लाउज़स पहनने के बावजूद ठंड uh, बहुत ज़्यादा है आई थिंक इट्स क्लोज़ टू अबाउट थर्टीन टू फोर्टीन डिग्रीज़ नाउ सो जैसे जैसे हम हाईवे uh, पहुंचेंगे हम हमारी स्पीड बढ़ाएंगे सो बाइकर्स को प्लेसेस एक ऐसा क्लब है जो तीन चीजों पे काफ़ी ध्यान देता है वी एंश्योर दैट ऑल राइडर्स आर वेयरिंग देयर सेफ्टी गेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइडर्स आर हैविंग बोथ द मिरर्स इंस्टॉल्ड ऑन देयर बाइक्स विच गिव्स दम वेरी गुड विजिबिलिटी अबाउट हु इज कमिंग फ्राम द राइट एंड इन केस इफ़ देर आर एनी व्हीकल्स कमिंग फ्राम द लेफ्ट ऑल्सो We ensure that the indicators are working properly, and the lights are working properly, so that we will be able to signal the turns to the traffic which is coming from the front so abhi hum is right say charity ki ki ye charity ride. Hai, so hum ne actually her member say. Uh, एक नॉमिनल अमाउंट कलेक्ट किया है विच विल गो टू अ टू आर बाइकर्स गो प्लेसेस चैरिटी फंड और जैसे जैसे इसमें अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा जब हमारे पास कुछ लमसम अमाउंट हो जाएगा देन वी विल बी गोइंग टू वन ऑफ द एन जी ओज एंड हेल्पिंग दैम विद देयर डेली रेशन एंड इन केस दे रिक्वायर एनी मेडिकल हेल्प सो दिस इज द एम ऑफ बाइकर्स गो प्लेसेस We will we ride for charity, and we will be exploring many different places. We usually organize a ride once in a month, and uh, we are welcoming all riders, riders who have bikes, one fifty cc and above. <laughs> so it's a multi bike club wherein everybody is welcome to join our club and enjoy a company of. लाइक माइंडेड पीपल हु लव टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मिलिट्री एरिया की ओर ये आप देख सकते हो मेरे राइट right साइड में थोड़े प्लेन्स वहां पे रखे गए हैं सो so, यहां पे सी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है मेरे राइट right साइड पे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम मिल्ट्री एरिया के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पर काफ़ी थोड़ा थोड़ा कोहरा छाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड विथ ट्रीज एंड यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं थोड़ी दूर आगे जाने पे हम राष्ट्रपति निलियम की तरफ से गुजरेंगे सो लेट्स वॉच दैट। फ्रॉम हियर इफ आई हैव टू अ वेरी नॉमिनल स्पीड सो सिक्सटी या सेवेंटी से ज़्यादा हम स्पीड नहीं जा सकते यहाँ पे सो so, जैसे हम मिलिट्री एरिया पार्क करेंगे हम हाईवे टच कर लेंगे एंड देन वी वुड बी रेविंग आर बाइक्स सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉट बाइकर गो प्लेसेस डज इट एनी कुछ भी राइड हो हमारी हम पहले से प्री प्लान कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है हमें कहाँ पे हमारे ब्रेक्स uh, लेने हैं हु lead rider and who would be the tail rider so lead ka ye responsibility hogi ki he should he has to ensure that he's taking the right route and he's maintaining a safe speed and tail jo rehta hai rider uski responsibility hogi ki wo ensure karega ki everybody is going in a right formation if it's a single lane formation then everybody would be going in a single lane maintaining the same speed and maintaining enough gap between each and every rider so doing this has actually helped us a lot in ensuring that our rides are very safe and accident free rides so apart from this we also take the emergency contact number and we ensure that the rider and the pillion both are wearing helmets विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो गई फाइनली हम पहुँचने वाले हैं राष्ट्रपति निलियम की और यहाँ से आगे आंध्रा सबेरिया का बोर्ड है राइट लेने से राष्ट्रपति निलियम आएगा हम लेफ्ट लेके आ, हाईवे टच करेंगे माई सेल्फ वीर और श्रीकांत वी आर कमिंग बडिंग यूट्यूबर्स आई कैन से देन। वी हैव जॉन हु इज अ फैशन फोटोग्राफर सो मोस्ट ऑफ आर राइट Uh, photographs are taken by John, and uh, today we are also going to meet Jansi, who is also riding uh, first time. It's her first ride. Uh, Jansi and we recently got married, and so we are going to meet them, Andrew. So, finally, those two are the highway chuke hai, and let's rev our bikes now. 170 किलोमीटर तय करने के बाद अब हमें सिर्फ चार किलोमीटर और चलाना पड़ेगा अंकापुर पहुंचने के लिए सो यहाँ हाईवे से जैसे ही आप लेफ्ट में देखोगे एक लैंडमार्क है विच इज श्री राम ऑटो लिमिटेड तो यहाँ से आपको जीपीएस डालना है और यहाँ से आपको जीपीएस में लोकेशन डालना पड़ेगा अंकापुर ग्राम पंचायत ऑफिस जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली थ्री किलोमीटर्स uh, पे है सो so, ये एक छोटी सी रोड है सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू ड्राइव स्लोली ऑन दिस रोड एज देर इज लॉट्स ऑफ मड एज वेल सो आई एम जस्ट चेकिंग इफ़ ऑल द राइडर्स आ गए हैं सो so, जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे ये छोटी सी रोड हमें ले जाएगी अंकापुर की ओर, सो so, चलिए दोस्तों ये देखिए श्री राम मॉल इंडिया लिमिटेड ये है वो लैंडमार्क जहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है जो आपको अंकापुर ग्राम पंचायत ऑफिस की ओर ले जाएगा सो so, ये रूट काफ़ी सीनिक है यहाँ से विलेज जैसे आउटस्कर्ट्स हम बोलते हैं वो शुरू हो जाता है और ये अंकापुर एक मॉडल विलेज है दिस इज़ मॉडल विलेज इन एंटायर कंट्री इंडिया सो इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे ये फार्मिंग की जाती है और अंकापुर इज़ अ विलेज इन आरमूर मंडल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना सो इट इज़ रिकोगनाइज एज मॉडल विलेज बाय आई सी ए आर इक्री सैट एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सो दिस अंकापुर इज़ फेमस फॉर इट्स चिकन करी सो यहाँ पे कंट्री चिकन जो है एकदम स्पाइसी एकदम यूनिक टेस्ट है सो वी विलचुअली ट्राइंग टू हैव दिस स्पाइजी क्विजिंग टूडे दिस एरिया ये द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज़ टू टू ज़ीरो फाइव एकर्स सो काफ़ी अच्छा विलेज है और यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर जो विलेज में हाउसेस है दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट सो अभी हम जाके देखेंगे कि क्या एक्चुअली इस विलेज में हम एक्सप्लोर uh, कर सकते हैं So Angapur chicken is popularly a uh, fiery chicken curry in Telangana. The chicken preparation is now considered one of the signature recipes of Telangana. So the popularity is because of its unique recipe as it is prepared with country hen. It has become popular for its unique taste. And this is popular since 30 years. Yes, you heard it right. 30 years, guys. So this dish was actually popularized बाई अ स्मॉल होटल्स है नंकापुर सो आज भी यहाँ पे वही छोटे छोटे होटल्स है सो वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर अ राइड हिर यू हैव टू लेट लेट दैम नो हाउ मेनी मेम्बर्स आर कमिंग सो अगर आप पहले बता दोगे तो दे विल प्रिपेर द डिश फोर यू सो बघारा नम जो बोलते हैं बघारा रईस उसके साथ चिकन करी दी जाती है सो so, यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग हो रही थी और मैंने अभी यहाँ मेरी गाड़ी रोक दी है क्योंकि यहाँ पे जैसा श्रीकांत बोल रहा है पिकॉक्स सो so, हमने पिकॉक्स साइटिंग की है यहाँ पे सो so, मैंने मेरा कैमरा जूम करना भूल गया हूँ सो अपॉल फॉर दैट पर अगर अभी मैं गाड़ी मुड़ाऊँगा और देन आई विल गो बैक एंड मैं देखूँगा यहाँ पे सो so, मुझे एक्चुअली सेवन टू एट पिकॉक्स का झुंड ग्रुप में ये लोग जा रहे थे सो वो दिखा था सो सिंस इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज़ सो पिकॉक्स वेयर फ्री फ्रीली रोमिंग एंड ये नज़ारा काफ़ी अच्छा था सो एंटर हो गए हैं अंकापुर इज़ वेरी नियर टू अस, जैसा कि आप देख सकते हो घर दिख रहे हैं हमें आजू बाजू और यहाँ पे सीमेंट रोड आ गई है सो अर्लियर जो टार रोड थी अभी दिस इज नाउ अ सीमेंट रोड एंड यू कैन सी लॉट्स ऑफ विलेजर्स हियर और आगे मैं देख पा रहा हूँ राइट साइड में एक छोटा सा पानी का नाला बह रहा है सो आई वी हैव टू आई थिंक आफ्टर क्रॉसिंग दिस वी आर वेरी नियर टू ग्राम पंचायत ऑफिस सो वहाँ जाके देखते हैं कि हमें ये जो कांटेक्ट मिला था वो मेरे एक और राइडर जो मेरे वर्सेस ग्रुप के राइडर हैं श्रीकांत उन्होंने दिया था तो यहाँ पे हमें जाकर एक कांटेक्ट को मिलना है जिसका नाम है अंकापुर राम गौड सो हमने पहले ही आने के पहले उन्हें कॉल कर दिया था कि वो कुछ गर्मा गर्म हमारे लिए बना के रखे सो ये हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत ऑफिस अंकापुर के पास सो so, यहाँ पे श्रीकांत और विमल रुके हैं सो फाइनली गाइज हम अंकापुर पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं थोड़ा आगे एक अबाउट वन किलोमीटर जहाँ पे हम एक प्राइवेट फार्म हाउस की ओर जाएंगे विच इज़ अ मैंगो फार्म एंड हमारा फूड वहाँ पर रेडी ऑलरेडी कर दिया गया है सो मीट यू एट लंच सो गाइज हियर वी आर एन्जॉइंग द फूड टूडे इट्स द स्पेशल अंकापुर चिकन विथ Bagara Rice This is mouth-watering delicious and spicy to the core so here you can see our friends Jasi, Veer and uh, Srikanth they are they like the chicken so much that they started their lunch very early. Very nice. Too delicious? Too delicious? Yes. Okay and how is the is it's spicy? Yeah. I mean, so just look at the gravy, it's super the... spicy. What a, how is the chicken? Nice, superb. Delicious. <laughs> so guys please Watch come and visit yes. Angkapur yes. and please uh, go ahead and more than worth the money and taste this mm -hmm. world famous special Angkapur chicken. chicken. Hi everyone. So we are winding up the ride today. So we'll please say a few words about today's ride. How did you feel? Uh, it's like you know, I thought country chicken is uh, okay. We had the country chicken in the past, but uh, this was completely different. So it's nice to come here and uh, you will not feel bad or something like that. You will feel wonderful if you come here and have this uh, wonderful chicken. And uh, it's around, uh, it's, it's, I think uh, the price is also very much uh, reasonable so you can come and uh, it's a must visit place right so sikhanta how did you feel about the ride yeah today the ride was too good. especially we have started 2nd january this was so encouragement to all of them and the spicy chicken here was too amazing and delicious you must have to come and uh, try this so we have tanjini, uh, my yeah. sweet sister <laughs> Hi everyone. Uh, Love being here. It was a long ride, but I l totally loved the food and it's a really good start for this new year after all these like lockdown and stuff. Good start. Thanks Manoj for planning this. Thank and you so regret, much. I don't regret it. So fun. now so we have uh, <laughs> Jansi. She is uh, she has uh, come for the first ride <laughs> with <laughs> Bikers Go Places. So how did feeling, you feel? Feeling very good. This is the first ride with uh, Bikers go places. Yes, so <laughs> it was fun and uh, love to be here. Uh, probably next time a camping. That's what I plan because of the place around and all, and it's really good here. So the training manager, our training manager Anita Garu. Madam. <laughs> madam Anita madam, Garu. Madam. Madam, Hi. madam. It was awesome this is our second drive and we loved we loved every bit the videos and the chicken <laughs> and <laughs> chicken especially and we thank uh, manoj for organizing this hey guys hi this is suresh this is my second ride with manoj and the team uh, first ride i enjoyed it i was excited for the second one so here i am with a couple of other friends loved this place i think manoj picks up the place uh, quite uh, you know, I would say you know he is very choosy with the places. In fact, if you look at this place, very green uh, surroundings and etc. And we love the food. The, again, food was managed by Marujo himself. So thanks for this. Uh, um, having lunch in the, in this nature uh, along with uh, my friends here, it has been a great experience. So stay tuned. So we would be going ahead and planning some more rides in this two thousand twenty one. So. Please uh, reach out to me for any uh, queries about this place. And we, w we welcome all of you uh, to please come and join our bikers group. Thank you.